हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मालवा के परमार जो शासक है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मालवा बेसिकली पड़ेगा कहाँ, उसके लिए हमें मैप्स में विजुलाइज करना है। ये आपका है, आपका बेसिकली राजस्थान है और ये क्या है, एमपी है। राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है और एमपी का वेस्टर्न पार्ट, बीच में मालवा का रीजन पड़ेगा। मालवा में एक डायनेस्टी डेवलप करती है जिसको हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो उज्जैन हुआ करती है, उज्जैन जो कि छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें पहले इसको उज्जैन के रूप में कैपिटल ये लोग बनाते हैं परमार लोग, उसके बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं कहां पर, धारा में। तो फाइनल जाकर के धारा कैपिटल इनकी बनेगी। अगर हम बात करें बच्चे कि जो परमार हैं वो बेसिकली हैं कौन, तो ये राष्ट्रकूटों के सामंत हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। हर शासन में, हर डायनेस्टी में हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं। क्रोनोलॉजी पढ़ने से फायदा क्या होता है, किन पर हमें कितनी एनर्जी देनी है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनको विजुलाइज करना है। अगर बात करें तो पहला जो क्रोनोलॉजी में शासक आता है वो उपेंद्र है, जिसे कृष्णराज के नाम से जाना जाता है और यह फाउंडर कहलाता है। किस वंश का, बोलो बच्चे, मालवा के परमार, यानी परमारों का जो फाउंडर है या उस वंश का संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र को बोला जाता है। आफ्टर दैट सेकंड पे शियक दुती है, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं शियक दुती ने परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और खुद को आजाद किया, साथ में परमारों को आजाद किया, इसलिए इसको परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। आफ्टर दैट अगर देखें तो इसने अपनी राजधानी के रूप में उज्जैन को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। वाकपत मुंज तीसरा शासक आता है और इस पर हमें अच्छी खासी एनर्जी देनी है, ड्यू टू क्वेश्चन यहां से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर बात करें वाकपत मुंज की तो हम आगे अभी इसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन पहले हम क्रोनोलॉजी को विजुलाइज करेंगे। उपेंद्र, कृष्णराज, शियक द्वितीय या हर्ष, फिर हम वाकपत मुंज को देख रहे हैं, फिर हम सिंधुराज को देखेंगे, फिर भोज में आपको लगभग 60% एनर्जी देनी है और 40% एनर्जी आपको कहां देनी है, वाकपत मुंज पे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं या आपका आयोग ने यहीं से क्वेश्चंस को फॉर्म किया है। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो नरवर्मन अंतिम शासक है और ये जो है टाइटल गेन करता है निर्वाण नारायण का, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग आएंगे सीधा कहां पे, वाकपत मुंज पे, और वाकपत मुंज को हम लोग विजुलाइज कर रहे होंगे। वाकपत मुंज की अगर बात करें क्लास, तो वाकपत मुंज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इसने कुछ टाइटल्स गेन किए हैं, इनको देखें। इसने तीन मोस्ट प्रोमिनेंट टाइटल को गेन किया है, एक है अमोघ वर्ष, एक है अमोघ वर्ष श्रीवल्लभ, दूसरा है आपका पृथ्वी वल्लम। और तीन टाइटल लेने के बाद ये कब लेता है टाइटल, इसने राष्ट्रकूट शासक खोटिक को हराया और इन तीनों टाइटल्स को गेन किया। ये है आपका वाकपत मुंज। और अगर बात करें अदर टाइटल में, तो उत्पल राज के नाम से जाना जाता है, कवि मित्र के नाम से जाना जाता है और कवि ब्रश के नाम से इसको जाना जाता है। कहते हैं धारा में इसने, मध्य प्रदेश धारा में इसने क्या किया, मुंज सागर का निर्माण करवाया और इसने एक बुक लिखी है जिसको मुंज प्रतिदेश व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये खुद एक विद्वान था तो इसने जियोग्राफी के ऊपर, भूगोल के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसे मुंज प्रतिदेश व्यवस्था कहते हैं। और कहते हैं कि इन्होंने, इनके दरबार में ढेर सारे जो है आपके विद्वानों को संरक्षण प्राप्त होता है, उनमें पद्मगुप्त नाम का एक व्यक्ति है जिसने नव शशांक चरित नामक रचना की है और जो सिंधुराज को समर्पित है। अन्य शासक जो अगला शासक होगा सिंधुराज को समर्पित है और यही पद्मगुप्त आगे जाकर के सिंधुराज के दरबार में दरबारी कवि के रूप में जाना जाएगा। धनंजय की अगर बात करें सर, तो इसने दस रूपक नामक ग्रंथ लिखा है, कौन सा ग्रंथ, दस रूपक ग्रंथ। धनिक, इसने दो पुस्तकें लिखी हैं जो आपके बेसिकली किसके शासनकाल में या किसके दरबार में रह रहा है, वाकपत मुंज के दरबार में। धनंजय ने दस रूपक लिखा है, फिर धनिक ने दो पुस्तकें लिखी हैं काव्य निर्णय और दस रूपावलोक, है ना, दो पुस्तकें हैं। हलायुध, ये बहुत बार एग्जाम में
पिंगल छंद शास्त्र इसकी पुस्तक आती है मैच करने के लिए, और दूसरी पुस्तक है मृत संजीवनी। तो ये आपको याद रखना था। बाकी इधर नोट, दो नोट आपको देखने हैं। पहला एक है, वाकपत मुंज ने चालुक्य शासक तैलम द्वितीय को 6 बार हराया। और नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि तैलब द्वितीय और लक्ष्मीकरण ने मिलकर के एक यूनियन बनाया था। लास्ट वन अगर हम देखें तो नरवर्मन अंतिम शासक होगा किस डायनेस्टी का, राष्ट्रकूट वंश का, और कहते हैं इनको अलाउद्दीन ने 1305 में हराया और मालवा को कैप्चराइज कर लिया। इस तरीके से आपके मालवा के परमाणु का क्या होता है, खात्मा होता है। लेकिन अब हम अगला जो वीडियो लेंगे वो बेसिकली होगा भोज के बारे में, क्योंकि भोज से क्वेश्चन खूब बने हैं, तो हम लोग वहां पर अगली वीडियो में भोज के बारे में चीजों को पढ़ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही।